मैं हूं आवेश रहमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपी लाइव न्यूज 100। आज हमारी यूपी लाइव की टीम थाना मटेरा पहुंची, जहां पर वहां पर तैनात थाना प्रभारी शीशमणि पांडे जी से कानून व्यवस्था पर हमारी खुलकर बातचीत हुई। और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और खुलकर बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे साथ अपनी बात शेयर। आज हमारे साथ मौजूद हैं नव नियुक्त मटेरा थाना के थाना प्रभारी श्री शीशमणि पांडे जी, और हम इनसे जानेंगे कि चूंकि अभी नए नए आए हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, काफ़ी उत्सुकता है लोगों के अंदर कि हम कुछ जानें कि हमारे थाना प्रभारी कैसे हैं, किस तरीके से काम करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लाइव में और ख़ासकर मटेरा में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप मटेरा थाना के प्रभारी हैं, आपकी पहली पोस्टिंग यहाँ थाना अध्यक्ष के रूप में हुई है सर, बड़ी अपेक्षाएँ हैं लोगों की, सर इस विषय में कुछ जानकारी। मेरी पहली पोस्टिंग थाना अध्यक्ष मटेरा के रूप में हुई है। मैं यहाँ के जनमानस को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके साथ कोई भी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उनको न्याय मिलेगा और मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की पूर्ति कोशिश करूँगा। सर, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि काफ़ी जो पुलिस और पब्लिक है, तो सर पब्लिक डरती है कम्युनिकेशन करने में पुलिस से, थोड़ा सा संवाद जो होता है बड़ा, पब्लिक अपने आप को डरा हुआ महसूस करती है थाने में आने के लिए या किसी पुलिस के टच में जाने से या सीधे संवाद। खासकर थाना प्रभारी हैं आप, थाना अध्यक्ष हैं, जिससे आपको किसी से बात करना है या किसी विक्टिम को आपसे बात करना है, क्या उस डर को निकाल के आपके पास आए आप पूरी तरीके से इसके लिए सक्षम? एकदम डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति कभी भी आकर के अपनी शिकायत हमसे कर सकता है। जनता और पुलिस के बीच में एक समन्वय स्थापित होगा। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी नागरिक को, मटेरा के नागरिक को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो निधड़क होकर अपनी सारी जो है जो भी उसकी शिकायतें हैं वो मुझसे कह सकता है। सर, मटेरा में आप नए हैं, आए हैं, क्षेत्र घूमा होगा, कैसा लगा मटेरा आपको? बढ़िया लगा, बढ़िया क्षेत्र है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं पुलिस से, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। सर, एक सवाल और उठता है कि पहले ये पुलिस चौकी हुआ करता था, अब थाना के रूप में कन्वर्ट हो गया है। सर, हम लोग भी निकलते हैं, एक छोटा सा कस्बा है मटेरा, स्टेशन नाम के जाना जाता है, कभी कभी निकलते हैं हम लोग दोपहर के समय, सर एक छोटा सा कस्बा, इसमें जाम की समस्या बड़ी अधिक हो जाती है। मैं घूम करके मार्केट में देखा हूँ, इंक्रोचमेंट की समस्या है। मैं फर्स्ट डे से ही इस पर अपना कार्य करना शुरू किया हूँ। शंकरपुर कस्बा है या हमारा मटेरा कस्बा है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट की समस्या है। मैं काफ़ी गहनता से इस विषय पर जो है ध्यान दूंगा और इंक्रोचमेंट को इंक्रोचमेंट से मुक्त करूँगा। नोटिस भी जारी कर रहा हूं कि आप अपने दुकानों को जो है सड़क से जो निर्धारित दूरी है वहां ले जाएं, इनक्रोचमेंट ना करें, इसके लिए उनको जागरूक भी किया जा रहा है। सर, महिलाओं के बारे में खासकर एक डर का माहौल बना हुआ है पूरे ओवरऑल अगर पूरे देश में देखा जाए, सर आपकी क्या तैयारी है? आपके यहाँ कोई महिला आरक्षी या पोस्टिंग हुई है? महिला आरक्षी की पोस्टिंग हुई है फिलहाल, अभी एक मौजूद है थाने पे जो पैरोकारी के काम करती हैं। और किसी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो चाहे महिला हो या पुरुष, किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून सबके साथ है, जो कानून के साथ है उनके रक्षक है, जो कानून का दुरुपयोग करेगा पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। सर, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर एक राजनीतिक दबाव होता है काम करने को लेकर, मतलब ऐसा, मतलब मीडिया में खबरें लीक हुआ करती हैं कि एक राजनीतिक दबाव होता है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? कानून के पक्ष में ही काम होगा, इसके इतर कोई काम नहीं होगा। तो ये थे मटेरा के थाना अध्यक्ष शीशमणि पांडे जी, जो हमसे खास बातचीत में इन्होंने कहा कि हम जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखेंगे, खासकर किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़े खुले दिल से शीशमणि जी ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है और हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए, आपने जो अपना बेस कीमती वक्त निकाला इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको